रांची के अनगढ़ा थाने की पुलिस 15 अगस्त को जेराढ़ी गांव के चेता बेदिया के परिवार के 5 लोगों को हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान पर ले गई। इनमें 2 महिला और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस मामले में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, वहीं दूसरी ओर आदिवासी परिवार को रांची पुलिस द्वारा अकारण प्रताड़ित किया गया। यह राज्य को कलंकित करने वाली कार्यवाही है। पूर्व सीएम ने कहा कि पुष्मणि कुमारी को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ। वह संत कुलदीप स्कूल की छात्रा है। विगत 1 महीने से अपने गांव में रह रही थी। पुलिस की कार्यवाही पर मैंने अनगढ़ा थाना से लेकर DGP से बात की, लेकिन कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। बेदिया परिवार के लोग आखिर कहाँ हैं, इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है। बीजेपी नेता का ये भी कहना है कि इन बातों से ये स्पष्ट है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। भोले भाले लोगों को पुलिस द्वारा डराया धमकाया जाना अब आम बात हो गई है। राज्य अब जंगल राज में तब्दील होता जा रहा है। राज्य की पुलिस जनता को सुरक्षा नहीं दे रही है, बल्कि बेवजह परेशान कर रही है। राज्य सरकार की ऐसी कार्यवाही से राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस को जल्द चेता बेदिया के परिवार वालों को रिहा करना चाहिए। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।